सो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डीएनए की रिपेयरिंग मैकेनिज्म क्या होते हैं। डीएनए की रिपेयर मैकेनिज्म में अपना थर्ड नंबर का लेक्चर है, इसके अंदर बात करेंगे एनईआर मतलब न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयरिंग मैकेनिज्म होती क्या है। ओके, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयरिंग क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन जो रिपेयरिंग होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा एटीपी की जरूरत होती है। अपन को क्या होती है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, ओटीपी की। और इस ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के अंदर 6 एंजाइम का ज्यादा रोल रहता है। कितने एंजाइम? 6 एंजाइम। ये पूरी जो मैकेनिज्म है, रिपेयर मैकेनिज्म है, ये इन 6 एंजाइम के ऊपर रहती है जो मैंने पहले से लिख रखे हैं। पहला एंजाइम का नाम आ जाता है UVRA। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि अपना जो डीएनए है वो डैमेज कहां से हुआ, उस चीज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और ये जो यूवीआरबी है ये क्या करता है, जो यूवीआरसी है इसको क्या करता है, इनवाइट करता है कि तू भी हमारे साथ में आ जाए। इसका क्या काम क्या होता है वैसे, इसका काम और जो बी का क्या होता है, इनवाइट टू यूवीआरसी। अब यूवीआर जो सी है ये क्या होता है, एक तरह का एंडोन्यूक्लियस होता है जो क्या करता है, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है ना डीएनए में उसको क्या करता है, कटिंग करने का काम करता है। इन सबके अपन रोल देखेंगे आगे, पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं उनका। फिर आ जाता है यूवीआरडी। यूवीआरडी क्या है, एक तरह से हेलिकेज है जो क्या करेगा, अपना जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है, न्यू स्ट्रैंड बनाता है डीएनए की, ये जो भी कटा फूटा भाग होता है उसको हटाने का काम करता है और नई स्ट्रैंड लाने का काम करता है। और ये जो लाइगेज होता है, लाइगेज का काम क्या होता है, गेज। लाइगेज मतलब ये क्या करेगा, डीएनए को जोड़ेगा। चलिए इन सबको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी जरूरत रहती है, एटीपी की जरूरत होती है। किसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा आपको किसकी जरूरत रहेगी, एटीपी की। ओके, कैसे रहेगी वो अपन देख लेंगे आगे की कैसे रहेगी। तो देखिए ये क्या है अपना डीएनए, ये नॉर्मल डीएनए, किसी भी तरह का डीएनए में डैमेज नहीं हुआ। अब जैसे क्या होगा, ये रिएक्शन का बाद, अब यहां पे क्या होगा, ये जो थाइमिन है, थाइमिन एंड थाइमिन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन। थाइमिन किसके साथ जुड़ा रहेगा, यहां पे एडेनिन के साथ में जुड़ा रहेगा। ओके, अब इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, लेकिन क्या होगा, इनके अंदर ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा और इनके बीच थाइमिन एंड थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये चीज अपन ने कब पढ़ी थी, ये अपन ने पढ़ी थी डबल बेस अल्ट्रेशन क्या होता है, उसके अंदर अपन ने देखा था कि पिरिमिडिन, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन डाइमर कैसे होता है। तो अपन ये क्या है, पिरिमिडिन है, तो पिरिमिडिन के बीच में यदि डाइमर बन जाए तो क्या हो जाएगा, अपना डीएनए क्या हो जाएगा, डैमेज। तो ये डीएनए क्या हो गया, डैमेज। तो चलिए यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ये डीएनए डैमेज हो गया। अब क्या होगा, ये जो यूवीआरए है और ये जो यूवीबी है, ये दोनों क्या होते हैं, अच्छे फ्रेंड होते हैं। जैसे ये वाला एंजाइम और ये वाला एंजाइम, ये दोनों क्या है भाई, एकदम अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। इन दोनों के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग बनी हुई रहती है। मतलब ये साथ जाएगा तो इसको भी साथ में लिखा जाएगा। इन दोनों में बॉन्डिंग के बीच में किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी की। इन दोनों में बॉन्डिंग के लिए किसकी जरूरत, रिक्वायरमेंट होगी, ओटीपी की, सॉरी एटीपी की होगी। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा एटीपी, अब ये यहां जाएंगे मतलब ये क्या करेगा, डिटेक्ट है डीएनए डैमेज। अब डीएनए डैमेज हो गया तो डिटेक्ट के लिए जाएगा, तो ये दोनों साथ में जाएगा तब भी अपन को किसकी जरूरत होगी, एटीपी की। ये यहां से यहां जाएगा इसके पास तब भी इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए एनईआर जो न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयरिंग है इसमें बहुत ही ज्यादा ओटीपी की, एटीपी की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो अब क्या होगा, अपन देखते हैं क्या होता है कि ये डीएनए बन गया, अपना डीएनए क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे शो कर सकता हूं मैं, यहां पे क्या आ गया, ये थाइमिन एंड थाइमिन के बीच में क्या बन गया, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। थाइमिन एंड थाइमिन के बीच में क्या हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, ये दोनों यहां पे जाएंगे, ये दोनों आ गए यहां पे, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, आपका डबल बॉन्ड है। ये कौन है, यूवीआर ए एंड ये यूवीआर बी। अब क्या होगा, ये यूवीआर सी मतलब इनवाइट करेगा यूवीआर सी को। अब क्या जाएगा, यहां पे यूवीआर सी क्या होगा, जाएगा। अब यूवीआर सी का काम क्या, ये तरह का क्या है, एंडोन्यूक्लियस है। क्या ये एंडोन्यूक्लियस, ये क्या करेगा, अब जो फॉस्फोडाइएस्टर की जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो ये अपना क्या गया, यूवीआर, ये क्या चला गया अपना,
यूवीआर सी चला गया, एंडो न्यूक्लियस चला जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये जो फॉस्फोडाइएस्टर, अब ये जितने भी बॉन्ड है इन बॉन्ड से थोड़ा, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इन न्यूक्लियोटाइड से थोड़ा दूर, मतलब एक कट तो यहां लगा देगा, एक कट तो यहां लगा देगा, दूसरा जो कट है वो दूसरा कट यहां लगा देगा, मतलब सात आठ न्यूक्लियोटाइड छोड़ के इतनी जगह को क्या कर लेगा ये कवर, क्योंकि डैमेज तो कहां है इस जगह पे, यहां से यहां तक में, लेकिन यहां तक के यहां तक को नहीं लेकर इतनी दूर का क्या करता है न्यूक्लियोटाइड में क्या लगा देता है, कट लगा देता है। तो ये क्या करेगा यहां पे, कौन है ये, यूवीआर सी है जो क्या करेगा यहां पे कट लगा दिया। अब क्या होगा, ये तो इसने अपना काम कर दिया, इन दोनों ने तो अपना काम कर दिया, यहां जाके क्या कर लिया डिटेक्ट कर लिया इन दोनों ने जाके। अब यूवीआर जैसे सी आया, इसने क्या किया, एंडोन्यूक्लियस है, इसने फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड है, ये रहा अपना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसको क्या कर दिया तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा अपन को, कुछ इस प्रकार का दिखेगा ना, यहां पे क्या आ गया थायमिन एंड थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, कुछ इस प्रकार का ये अपन को क्या करेगा शो करेगा। अब क्या होगा, अब यहां पे जाएगा अपना हेलिकेज, अब क्या जाएगा, ये जो हेलिकेज है मतलब यूवीआर डी है, ये यूवीआर डी मतलब हेलिकेज, ये क्या करेगा हाइड्रोजन को, तो हेलिकेज जाएगा और हेलिकेज जाके यहां पे जो यहां पे जाएगा, यहां से क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा यहां तक तोड़ देगा, मतलब इन्होंने यदि इनके साथ में क्या कर रखा है बॉन्डिंग कर रखी है, इस बॉन्डिंग को ये जाएगा ऐसे जाएगा और ऐसे बीच में से काट देगा। अब यदि इसने यहां से काट दिया तो ये हिस्सा क्या हो गया, पूरा का पूरा अलग हो गया, जैसे कि मैं आपको शो कराता हूं कैसे होगा, ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या हो गया अलग हो गया, ऐसे क्या हो गया, ये हिस्सा यहां पर क्या आपका थायमिन है डबल बॉन्ड के साथ में, थायमिन थायमिन के बीच में डाइमर बन रखा है, ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या हो गया अलग हो गया। अब क्या आएगा आपका डीएनए, ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहां पे क्या आएगा, आएगा डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही यहां पे आएगा तो ये क्या करेगा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है जो टूटा हुआ है, इस वाले हिस्से को क्या कर देगा यहां से गायब कर देगा, क्या कर देगा, इस हिस्से को रिमूव कर देगा, और इस हिस्से को रिमूव करने के बाद एक ऐसा ही हिस्से का क्या कर लेगा फॉर्मेशन कर लेगा। तो यदि मैं इसको मिटा देता हूं तो क्या कर लेगा, इस हिस्से को गायब कर दिया और यहां पे क्या बना लिया, इसने नया स्ट्रेन बना लिया, ये क्या बन गया नया स्ट्रेन बन गया, तो फिर ऐसी क्या हुआ, यहां एडिनिन था और एडिनिन के साथ में क्या आ गया फिर से थायमिन आ गया, इस हिस्से को जैसे ही कर लिया तो डीएनए पॉलीमरेज का काम पूरा हो गया। फिर काम आता है लाइगेज का, फिर किसका काम आएगा लाइगेज का। अब ये लाइगेज क्या करेगा, ये लाइगेज आएगा जो बीच में होल देख रहे हैं, इन होल को क्या कर देगा फिल कर देगा, इन होल को क्या कर दिया इसने फिल कर दिया, तो ये क्या बन गया एकदम जो डीएनए था वो डीएनए क्या हो गया आपका रिपेयर हो गया। तो ये थी डीएनए रिपेयरिंग की एक मैकेनिज्म, एनएआर न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयरिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अगली जो डीएनए की रिपेयर मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करेंगे। नोट्स की मैंने बता रखा है टेलीग्राम चैनल है, यहां सिर्फ समझिए नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे।